वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में स्टाइपेंडरी ट्रेनीज की कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के लिए पॉलिटेक्निक स्टूडेंट और आईटीआई स्टूडेंट के लिए जगह निकली हैं। एनआरबी तारापुर और कल्पकम सेंटर के लिए और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख 15 दिसंबर 2020 से शुरू होगी और क्लोजिंग डेट है उसकी 31 जनवरी 2021। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी 4 पोस्ट के लिए है, तारापुर एनआरबी और कल्पकम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में जगह की सुवर्ण संधि। तो इसकी सविस्तर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए जगह है। मैकेनिकल ब्रांच डिप्लोमा इन मैकेनिकल ब्रांच के लिए 13 जगह, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 6 जगह, केमिकल ब्रांच के लिए 7 जगह, सिविल के लिए 13 जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 जगह, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 जगह और केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री में जिनका भी है उनके लिए 4 जगह। ऐसी कुल मिला के 50 सीटें ये निकली है डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए और केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री में जिनका भी ग्रेजुएशन हुआ है उनके लिए जगह निकली है। और मिनिमम क्राइटेरिया है ये 60% एग्रीगेट इन डिप्लोमा के लिए होना चाहिए, ये ऐसा क्राइटेरिया है। 10वीं के बाद 3 साल का और 12वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा, मिनिमम परसेंटेज 60% होना चाहिए। ये एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओपन ऐसी मिला के कुल जगह हैं, टोटल 50 जगह पॉलिटेक्निक स्टूडेंट और बीएससी के स्टूडेंट के लिए, 46 जगह पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए है और 4 जगह है बीएससी इन केमिस्ट्री के लिए जगह निकली है। ये स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 ग्रुप बी के लिए जगह है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 50। और आईटीआई स्टूडेंट के लिए प्लांट ऑपरेटर एसी मैकेनिक फिटर वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मशीनिस्ट मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक वेल्डर जीटीएडब्ल्यू एंड जेएमएडब्ल्यू मैकेनिक डीजल और लेबर लेबोरेटरी अटेंडेंट इनके लिए भी जगह निकली है। तो ये जगह आईटीआई स्टूडेंट के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आईटीआई का रहेगा, एनसीवीटी डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए परमानेंट जगह के लिए। और स्टाइपेंडरी जो पोस्ट है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं, तो ये पावर प्लांट ऑपरेटर एसी मैकेनिक फिटर वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक वेल्डर जेएमएडब्ल्यू एंड जीटीएडब्ल्यू मैकेनिक डीजल और मशीनिस्ट ग्राइंडर लेबोरेटरी अटेंडेंट ऐसी जगह है। ये क्राइटेरिया 31 जनवरी 2021 को
मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम ये कैटेगरी वन के लिए 24 ईयर्स का होना चाहिए, 24 साल का होना चाहिए। और कैटेगरी टू के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 साल और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 22। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 3 साल का ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन पीरियड रहता है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन पीरियड रहता है। फिजिकल स्टैंडर्ड उसका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट 45.5 किलोग्राम मतलब 45.5 किलोग्राम ये वजन होना चाहिए। फिजिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का है और स्टाइपेंड जो मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड जिसे विद्या वेतन कहते हैं वो स्टाइपेंड पर मंथ रहेगा। पहले साल के लिए कैटेगरी वन में 16,000 रुपये और दूसरे साल के लिए 18,000 रुपये, कैटेगरी टू में 10,500 रुपये और दूसरे साल के लिए 12,500 रुपये ये स्टाइपेंड मिलेगा। सिलेक्शन मेथड जो है ये स्टेज वन स्टेज टू और स्टेज थ्री में एग्जाम होगी। ये स्टेज वन में जो एग्जाम रहेंगी वो पहले स्टेज में मैथमेटिक्स साइंस और जनरल अवेयरनेस ये सब्जेक्ट रहेगा। उसमें 20 मार्क के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, साइंस के 20 मार्क के क्वेश्चन, 10 मार्क के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस ऐसा रहेगा। स्टेज टू में एप्टीट्यूड टेस्ट होगी और स्टेज थ्री में ये मेडिकल फिटनेस फिजिकल टेस्ट होगी। कैटेगरी टू में क्राइटेरिया ये जो है ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी वन के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट सी ग्रेड की पोस्ट मिलेंगी। कैटेगरी टू में टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी की पोस्ट मिलेंगी। उसमें भी लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 7, टेक्नीशियन बी के लिए लेवल 3 और टेक्नीशियन सी के लिए लेवल 4 ऐसी रहती है और एंट्री पे उस हिसाब से रहेगा। जो एडिशनल बेनिफिट है वो एग्जिस्टिंग वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है, हायर ग्रेड वर्क का एनवायरनमेंट रहता है, हेल्थ केयर एम्प्लॉय के लिए और उसके फैमिली के लिए रहता है, अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ इंसेंटिव रहता है, अलाउंसेस रहते हैं, LTC मिलता है एम्प्लॉय और उसके फैमिली के लिए और रिटायरमेंट फैसिलिटी NPS सिस्टम लागू है। जो नेचर ऑफ ड्यूटी है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिस्ट्री इन जो डिप्लोमा जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रिलेवेंट ब्रांच का नेचर ऑफ ड्यूटी रहेगा। तो ये नेचर ऑफ ड्यूटी में मैकेनिकल ऑपरेशन फैब्रिकेशन मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर यूटिलिटी सिस्टम में काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में हाई टेंशन लाइन लो टेंशन लाइन इक्विपमेंट पे काम करना पड़ता है। केमिकल में ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट में काम करना पड़ता है। सिविल को सिविल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन को मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस एंड केमिस्ट्री को एनालिसिस वर्क ये जो लेबोरेटरी वर्क में काम करना पड़ता है। प्लांट ऑपरेटर एसी मैकेनिक फिटर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मशीनिस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक वेल्डर JMAW एंड GTAW मैकेनिक डीजल मशीनिस्ट ग्राइंडर लेबोरेटरी अटेंडेंट इनको भी रिलेवेंट ट्रेड से जॉब करना पड़ता है। नेचर ऑफ ड्यूटी प्लांट ऑपरेटर में तो असिस्टेंट इन प्रोसेस ऑफ जो भी केमिकल प्लांट रहेगा ऑपरेशन रहेगा उसका काम करना पड़ेगा। एसी मैकेनिक को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम का काम करना पड़ेगा। फिटर को मेंटेनेंस ऑपरेशन फैब्रिकेशन और मैकेनिकल यूटिलिटी सिस्टम में काम करना पड़ेगा। वेल्डर को गैस कटिंग और वेल्डिंग वर्क करना पड़ेगा।
इलेक्ट्रीशियन को ये इरेक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड ऑक्सिलरी इन सबस्टेशन एंड अदर इंस्टॉलेशन के काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को फैब्रिकेशन मेंटेनेंस ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का काम करने पड़ेगा। ऐसे ही बाकी सब जो ट्रेड हैं उनके रिलेवेंट जॉब आपको उनको करना पड़ेगा, शिफ्ट ड्यूटी रहेगी। जो भी उम्मीदवार बीएससी डिप्लोमा इंजीनियरिंग बीटेक एएमआई एमएससी एमटेक पीएचडी जो स्टूडेंट है उनको मिनिमम जो क्राइटेरिया है 60% मार्क होना चाहिए। जब भी प्रमोशन चैनल शुरू होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दो साल का रहेगा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में एलिजिबल क्राइटेरिया जो रहेगा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसने पूरा करना चाहिए और 60% होना चाहिए। 60% से लेस है तो उनके लिए बीएससी डिप्लोमा के लिए 6 साल, बीटेक एएमआई एमएससी के लिए 8 साल और एमटेक पीएचडी के लिए 10 साल का अनुभव रहेगा, तो भी ये प्रमोशन चैनल में वो उनको प्रमोशन मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर आल्सो इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन एनआरबी कल्पकम थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। थेट भर्ती है कल्पकम और एनआरबी न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जगह है, परमानेंट जगह। जो टेक्नीशियन सी मतलब बॉयलर ऑपरेटर के लिए 3 जगह है और टेक्नीशियन बी पेंटर के लिए 1 जगह है, ये 1 जगह उनका हेयरिंग हैंडीकैप के लिए राखी है। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया जो है वो एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स 31 जनवरी 2021 को होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल एक्सटेंशन रिलैक्सेशन पीरियड रहेगा और ओबीसी के लिए ये रहेगा 3 साल का पीरियड। बाकी जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है गवर्नमेंट के उनको ये जनरल कैंडिडेट के लिए 43 साल, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45 साल, ये इस हिसाब से रहेगा। जनरल कैंडिडेट के लिए 40, ओबीसी के लिए 43 और एससी कैंडिडेट के लिए 45 साल। जो सिलेक्शन मेथड है उसमें ये जो सिलेक्शन कैटेगरी जब होगी तब टेक्नीशियन सी ग्रेड के लिए लेवल 4 में लेवल पे मैट्रिक्स रहेगा और एंट्री पे 25,500 रुपीज़ रहेगा स्टार्टिंग पगार, और टेक्नीशियन बी के लिए लेवल 3 में एंट्री होगी और उसका पगार रहेगा एंट्री पे 21,700 रुपये। टेक्नीशियन सी बॉयलर ऑपरेटर में नेचर ऑफ ड्यूटी ऑपरेशन ऑफ बॉयलर मतलब बॉयलर चलाने का काम करना पड़ेगा, बॉयलर ऑपरेशन का काम करना पड़ेगा। टेक्नीशियन बी पेंटर को पेंटिंग का काम करना पड़ेगा, ये फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए राखी जगह है, हियरिंग हैंडीकैप। ये अप्लाई करने के लिए फैसिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फॉर्म हो रहा है 15 दिसंबर 2020 को और 31 जनवरी 2021 को ये फॉर्म क्लोज होगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन उसकी फीस भी पेड करना पड़ेगा। तो जो जनरल कैटेगरी है इनके लिए 150 रुपये, 150 रुपये और एसटी एससी जो फिजिकली हैंडीकैप है पीडब्ल्यूडी और वुमन कैटेगरी को फीस नहीं लगेगी। इसके लिए अधिकृत वेबसाइट है recruit.barb.gov.in। इस अधिकृत वेबसाइट पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन और अधिक जानकारी आपको मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको ऑनलाइन ही करना है, डायरेक्ट फॉर्म भेजना नहीं है। जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया लगेगा उसमें जो वैकेंसीज रहेंगी उस वैकेंसीज के हिसाब से सिलेक्शन लिस्ट लगेंगी
और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको ये जो नोटिफिकेशन निकला है इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की तारीख है 31 जनवरी 2021, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख जो होगी शुरू 15 दिसंबर 2021 को। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट और आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये राज एजुकेशन के वीडियो के माध्यम से, राज एजुकेशन जो एजुकेशन चैनल है उसके माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे उनको ये इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शुभकामनाएं, और ये एग्ज़ाम कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने के कारण और संपूर्ण भारत में जो इंडिया के कॉम्पिटिटर हैं तो इसमें अप्लाई करते हैं। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप अपने एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। ऑनलाइन फॉर्म 15 दिसंबर 2020 से शुरू हो के 31 जनवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट पूरा जानकारी भरे और जानकारी भरते समय लास्ट में आपको चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट को भी आप भरे, इस तरीके से भरे कि आपकी कोई गलती ना हुए। ऑनलाइन पेमेंट जो दिए हैं जिसमें तर्ज से करना है वो ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे। तो सभी जानकारी भरने के बाद आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म की आप एक कॉपी अपने पास रखें, और निवेदन है कि recruit.bark.gov.in इस अधिकृत वेबसाइट के ऊपर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में जो जगह निकली है उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।